नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अपने इस विशेष अंक में हम बात करेंगे आपके करियर की। कौन से ग्रह किस तरह का करियर देते हैं, किन ग्रहों से कौन सा करियर बनता है और अगर आप उस करियर में सफलता पाना चाहें तो किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। अलग अलग राशियों के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इस सप्ताह के परिणाम कैसे होंगे, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, इन विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम रोहिणीशः सुधा मूर्तिः सुधा गात्रः सुधाशनः। ओम रोहिणीशः सुधा मूर्तिः सुधा गात्रः सुधाशनः। विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे विधु। विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे विधु। चंद्रमा का मंत्र है और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब स्थानों में बैठा हुआ है या चंद्रमा आपको खराब परिणाम दे रहा है या चंद्रमा की वजह से अगर जीवन में दिक्कत आ रही है तो ये मंत्र चंद्रमा की पीड़ा को दूर कर देता है। इस मंत्र को रोज शाम को 108 बार जपना चाहिए। अगर आप मोती की माला से या रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करें रोज शाम के समय या रोज रात के समय तो चंद्रमा से संबंधित जो बाधाएं हैं, चंद्रमा से संबंधित जो पीड़ाएं हैं, वो पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके करियर का आपके ग्रहों के साथ क्या संबंध है। देखिए, आपकी कुंडली के जो ग्रह होते हैं वही आपके करियर का निर्धारण करते हैं। आपकी कुंडली में भारतीय ज्योतिष में मोटे तौर पे हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इन 9 ग्रहों का एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। इन 9 ग्रहों की अलग अलग पोजीशन के हिसाब से आपका करियर डिसाइड होता है। विशेष रूप से कुंडली का दशम भाव, द्वितीय भाव और छठवां भाव यहां महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली का दूसरा, दसवां और छठवां खाना जो है इसे हम कर्म त्रिकोण कहते हैं और ये अर्थ त्रिकोण या कर्म त्रिकोण जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपके करियर को डिसाइड करने के मामले में। लग्न का जो दशम भाव का स्वामी है वो नवांश में कहां बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, किस ग्रह से दृष्ट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी के करियर को जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि आपके लग्न के दशम भाव का स्वामी नवांश में कहां है, कैसा है। और अगर इसको ठीक से बारीकी से आपने समझ लिया तो आप बहुत आसानी से जान पाएंगे कि करियर कहां है और कैसा है। भारतीय ज्योतिष के पितामह श्री केएन राव कहते हैं कि यह करियर का मुख्य ग्रह है, ये करियर का की प्लेनेट है, यानी लग्न के दशमेश का नवांश में जो पोजीशनिंग है, जिसकी राशि में बैठा है, वो आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह है जो करियर को डिसाइड करेगा। करियर के निर्धारण के लिए हम अगर कुंडली देखेंगे कि आपका करियर कैसा होना चाहिए या आपका करियर कैसा होगा तो हम सूर्य से, चंद्रमा से और लग्न से तीनों से विचार करेंगे। हम सूर्य से भी दशम भाव देखेंगे, चंद्रमा से भी दशम भाव देखेंगे, लग्न से भी दशम भाव देखेंगे, दशम भाव पर पड़ने वाला प्रभाव देखेंगे और नवांश में दशमेश की स्थिति क्या है वो देखेंगे। इतना देखने के बाद आप एग्जैक्टली ये बता पाएंगे कि करियर कैसा होना चाहिए।
यानी अगर आपको कुंडली के माध्यम से करियर को समझना है तो थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप ये जान पाएंगे, बचपन में ही किसी बच्चे के आप ये जान जाएंगे कि उसको किस तरह के करियर में ले जाना चाहिए ताकि आगे चलकर के संघर्ष ना करना पड़े। इसीलिए करियर की काउंसलिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसके लिए आपको साइकोलॉजी भी आती हो, एस्ट्रोलॉजी भी आती हो, तब आप करियर को ज्यादा सही तरीके से बता पाएंगे। ये जो अलग अलग करियर हैं वो किन ग्रहों से संबंध रखते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं 12 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 के साप्ताहिक राशिफल की, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में आपको बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के मानसिक तनाव की संभावना बन रही है, आपके परिवार जनों के स्वास्थ्य की वजह से, आपके अपने स्वास्थ्य की वजह से, परिवार जनों के व्यवहार की वजह से थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। ये सप्ताह थोड़ी मुश्किलें इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि इस सप्ताह में आपके ऊपर दौड़ भाग का दबाव भी होगा और काम का तनाव दबाव भी इस सप्ताह में आपको दिखाई देगा, लेकिन बुधवार के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, सप्ताह के मध्य से आपकी धन की स्थिति काफी बेहतर होती चली जाएगी। तो मध्य से सप्ताह आपका बेहतर होगा, लेकिन पहले 3 दिनों तक थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस आपके लिए दिख रहा है। सप्ताह के अंत से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, तो सप्ताह के अंत तक थोड़ा सा इंतजार करिएगा। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करें तो इस सप्ताह में सफलता ज्यादा मिलेगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको धन और उपहार की प्राप्ति होगी। ये सप्ताह शुरू होगा, आपको धन भी मिलेगा और आपको उपहार भी मिलेगा। रुके हुए काम सप्ताह की शुरुआत में आपके पूरे होंगे और आपके करियर में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सप्ताह के मध्य से, खासतौर से बुधवार से आगे बढ़ने पर अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पारिवारिक विवादों से बचिएगा, परिवार के माहौल को खराब मत करिएगा, जहां तक संभव हो अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में किसी धार्मिक कार्य में या किसी सेवा सहायता में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है दूसरों की सेवा सहायता करेंगे या कोई धार्मिक कार्य करेंगे, इस तरह की संभावना आपके लिए दिख रही है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए लाभकारी होगा, अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो यह सप्ताह में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके समस्याओं में सुधार होता जाएगा, आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए इस सप्ताह में बने हुए हैं और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको रुका हुआ धन भी इस सप्ताह में प्राप्त होगा। कहीं अगर प्रॉपर्टी का कोई पैसा आना है, किसी महत्वपूर्ण काम से कोई पैसा आना है, तो वो इस सप्ताह की शुरुआत में आपको मिलेगा। आपका संतान पक्ष भी अच्छा होगा और पारिवारिक समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपका पारिवारिक मामला भी बेहतर होगा और आपका संतान पक्ष भी बेहतर होगा, ऐसा लग रहा है। इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य के मामलों में आप किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। वैसे देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस सप्ताह में सेहत को लेकर लापरवाही ना करें और सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखिएगा। तो मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह बहुत अच्छा है। देखिए,
सिर्फ ये है कि सप्ताह में एक तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो उसे मत टालिए, और सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखिए तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन निपटाते हैं तो उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सुरेश जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी बताइए। हम अपने बिटिया के बारे में पूछना चाहते हैं पंडित जी। जन्म तारीख बताइए उनकी। उसकी जन्म तारीख है 21 सितंबर 2004। समय बताइए। समय शाय का है। कितने बजे? 7 बजे का। कहाँ पे जन्म हुआ है? नोएडा का है। पूछिए सुरेश जी क्या प्रश्न है। उसके कैरियर का क्या है? देखिए अगर आपको जी जी कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए आपकी बिटिया की कुंडली में एक तो करियर की स्थिति बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई के लिए भविष्य में आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संभवतः ये विदेश भी जाएंगी, और इस कुंडली में घर से दूर जाकर के पढ़ाई करना, घर से दूर या विदेश जाकर के पढ़ाई करना या वहां पे सेटल होना, इसकी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। कैरियर अच्छा है, स्वास्थ्य थोड़ा सा इनका कमजोर दिखाई दे रहा है, तो हमें ज्यादातर इनके डाइजेशन का और इनकी आंखों का ध्यान रखना होगा। अगर इनके डाइजेशन का ध्यान दिया जाए, इनकी आंखों का ध्यान दिया जाए तो बाकी मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी की दशाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे करियर के लिए इनको बोलिए कि ये नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम आ जाते हैं आपके करियर पर और उससे जुड़े हुए ग्रहों पर। सबसे पहले जानते हैं कि कोई व्यक्ति कब इंजीनियर बनता है, कोई व्यक्ति कब टेक्निकल साइड ऑफ एजुकेशन में जाता है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करता है। देखिए अगर कुंडली में मंगल, शनि, बुध या राहु केतु में से दो या दो से ज्यादा ग्रहों का ज्यादा प्रभाव हो तो व्यक्ति इंजीनियर बनता है। ज्यादातर पाप ग्रहों का जो प्रभाव होता है, मंगल का, शनि का, राहु का, केतु का, ये व्यक्ति को इंजीनियर बनाता है, ऐसा देखा गया है। मंगल और बुध का मजबूत होना यहां सर्वाधिक जरूरी होता है। मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मंगल शनि का संबंध आम तौर पर टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति को ले जाता है। इंजीनियरिंग का एक कॉम्बिनेशन और भी होता है कि अगर कुंडली में शनि और केतु का संबंध बनता हो या शनि राहु केतु के एक्सिस में हो तो ज्यादातर मामलों में यह व्यक्ति को इंजीनियरिंग में ले जाता है। सामान्यतः अगर आप देखें तो मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि के लोग ज्यादा आसानी से इंजीनियर बनते हैं। जिनको हम ज्योतिष में पाप ग्रह कहते हैं या जिनको हम ज्योतिष में निगेटिव प्लेनेट कहते हैं, ज्यादातर मामले में वो निगेटिव प्लेनेट आपको इंजीनियर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी सफलता देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर ग्रह का अच्छा भी हिस्सा होता है, बुरा भी होता है। तो जो पाप ग्रह हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी सहायता पहुंचाते हैं। अब अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें बाधा आ रही है तो आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करिए। इंजीनियरिंग कर पाना आसान होगा, लेकिन साथ में पढ़िएगा भी। ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया कि हनुमान जी का दर्शन करो, मंत्र पढ़ो तो तैयारी छोड़ दिया। तैयारी करते रहिए, साथ में शनि मंत्र पढ़िए और हनुमान जी का दर्शन करिए, तो
तो जो थोड़ी बहुत कमी 10-12% की रह जाती है वो मैच हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो करियर है, समाज का सर्वाधिक प्रतिष्ठित करियर, और जिस करियर को हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर भगवान होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं, बड़ा सम्मानित प्रोफेशन। कैसे बनता है व्यक्ति डॉक्टर? अगर कुंडली में चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति डॉक्टर होता है। इसमें कभी कभी आप देखेंगे कि केतु का प्रभाव भी होता है, लेकिन ज्यादातर चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति इसमें प्रोमिनेंट होते हैं, उनकी भूमिका ज्यादा होती है। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मकर, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मकर राशि के लोग आसानी से डॉक्टर बन जाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं कि डॉक्टर बनने के लिए चंद्रमा का गड़बड़ होना थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको अपने मन को बड़ा मजबूत करना होता है। पेडियाट्रिक डॉक्टर है, उसे छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाना है, अगर मन मजबूत नहीं होगा छोटे बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा पाएगा, या मन अगर बहुत मजबूत नहीं होगा तो लोगों की तकलीफ में मजबूती से उनको सलाह नहीं दे पाएगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब थोड़ा गड़बड़ होता है तो मन जो होता है वो थोड़ा सा चीजों को झेलने लायक बन जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बनने के लिए ज्यादातर मामलों में चंद्रमा का थोड़ा निगेटिव होना जरूरी देखा गया है। अगर डॉक्टर आप बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनने में बाधा आ रही है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। आरोग्य के कारक माने जाते हैं भास्कर, भगवान सूर्य, और डॉक्टर बनने के लिए सूर्य की कृपा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हीलिंग के मालिक हैं, वो औषधि के मालिक हैं। इसलिए रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखिए, डॉक्टर बनना आपके लिए सरल हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। बाकी करियर के हिस्सों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी, आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। अपने करियर के मामले में और अपने जीवन के मामले में आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे, कोई बड़ा निर्णय लेने की संभावना बन रही है, और इस सप्ताह में किसी महत्वपूर्ण छोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, यह संभावना आपके लिए बन रही है। धन की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह में कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। धन को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादातर मुश्किलें नहीं होंगी। सप्ताह के अंत में जब आप पहुंचेंगे तो आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम भी आसानी से बन जाएगा। सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए इस सप्ताह में व्यस्तता जरूर है, लेकिन सफलताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे काम बनेंगे, करियर में सफलता मिलेगी, छोटी लाभदायक यात्रा होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। तो अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो इस सप्ताह का सही इस्तेमाल करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। शुरुआत में ही बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं और बेवजह चोट चपेट की नौबत आ सकती है, सावधानी बनाए रखिएगा। हालांकि ये सावधानी शुरुआती 3 दिनों के लिए है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार से उसके बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा।
संतान या किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा, ये संभावना भी इस समय दिखाई दे रही है। और आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, उसमें चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी स्वास्थ्य को लेके, तनाव को लेके शुरुआत में दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीजें बेहतर होंगी। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप इस सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन करें तो उसमें आपको विशेष सफलता अवश्य मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक कार्यों में आपके व्यस्तता रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में ऐसा लग रहा है दिक्कतें भी हैं और प्रेशर भी है। संपत्ति के मामलों में आपके सुधार होगा और कोई नई योजना इस सप्ताह में बना सकते हैं कि मैं काम में परिवर्तन कर दूं, मैं किसी नए व्यवसाय में जाऊं, मैं स्थान परिवर्तन करूं, इस तरह की नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। देखिए, पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य बेहतर है, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको पूरी तरह से बनाए रखना है। अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, जहां भी आप काम करते हैं वहां किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह का तनाव ना हो, इस पर भी ध्यान बनाए रखना होगा। शुरुआत में थोड़ा प्रेशर है, थोड़ी दिक्कतें हैं, परिवर्तन की योजनाएं हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन सप्ताह के अंत तक जब आप पहुंचेंगे तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर के करियर के बारे में। जैसे बैंकिंग का मामला हो, मार्केटिंग का मामला हो, बिजनेस से संबंधित कोई मामला हो, उसके करियर का क्या मामला है। कुंडली में बुध या बृहस्पति अगर प्रधान हो जाएं, कुंडली में अगर बुध या बृहस्पति अगर लीड करने लगे तो व्यक्ति कॉरपोरेट क्षेत्र में काफी उन्नति करता है। बिजनेस रिलेटेड क्षेत्रों में, बैंकिंग में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, बिजनेस एनालिस्ट जैसे क्षेत्रों में काफी सफलता पाता है। बुध को पूर्ण रूप से आप कॉरपोरेट क्षेत्र का ग्रह कह सकते हैं। बुध का मतलब जो बिजनेस से संबंध रखता हो। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातकों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र बेहतर परिणाम देता है। अगर कुंडली में आपके बुध त्रिकोण में बैठा हो, लग्न पंचम नवम या सप्तम अष्टम भाव में बैठा हो, तो ऐसा देखा गया है कि कॉरपोरेट सेक्टर में जाने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, बैंकिंग जैसे, फाइनेंस जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में जाने का प्रयास करता है। अब अगर आप कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं या कॉरपोरेट सेक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हरे रंग का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनने में, और भगवान गणेश की आप जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं एक ऐसे करियर के बारे में जानने के लिए जो भारत में युवाओं का स्वप्न है। स्वप्न की नौकरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रशासनिक सेवा, आईएएस, आईपीएस, आईपीपीएस, पीसीएस जैसी जो नौकरी है, जो प्रशासनिक सेवा है, इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं और कौन से ग्रह आपको प्रशासनिक सेवा में पहुंचाते हैं। प्रशासन के मुख्य रूप से तीन ग्रह माने गए हैं। एक है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा और तीसरा है मंगल। सूर्य, चंद्रमा और मंगल प्रशासन के तीन ग्रह माने गए हैं।
कुंडली में इनमें से एक भी ग्रह अगर प्रधान हो जाए या एक ग्रह आपके करियर से संबंध रखे या आपके करियर पे असर डाले तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा की तरफ पहुंच जाता है। खास तौर से सूर्य और मंगल की जो प्रधानता है वो व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा में पहुंचा देती है। वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर। वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के लोगों को प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर आप प्रशासनिक सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपकी कुंडली में ऐसी संभावना है, आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आपको सफलता मिले, तो भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करिए, सोना पहनिए दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, और गायत्री मंत्र का अगर आप जप करिए तो आपको लाभ होगा। कुछ और करियर पर भी हम चर्चा करेंगे, सफलता के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, हालांकि इससे आपको करियर में और आर्थिक मामलों में फायदा होगा। इस सप्ताह में व्यस्त बहुत रहेंगे लेकिन करियर के मामले में और फाइनेंशियल मैटर में आपको काफी लाभ होगा। करियर में नई शुरुआत के योग भी हैं और आपके लिए लाभ की स्थितियां भी बन रही हैं। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी इस सप्ताह में और संतान के साथ परिवार के लोगों के साथ आपका आपसी तालमेल भी बेहतर होगा। तो सप्ताह आपके लिए देखिए अच्छे संकेत दे रहा है। केवल सप्ताह के अंत में थोड़ी सी दिक्कत है, सप्ताह के अंत में कोई पुरानी समस्या आपको दोबारा परेशान कर सकती है, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता रहेगी और ये व्यस्तता आपके लिए फायदेमंद रहेगी। व्यस्तता से आपको बहुत सारा फायदा होगा। करियर के मामले में आपके लिए अच्छी सफलता का समय है, तो अगर आपको करियर में कोई प्रयत्न करना है, करियर में कोई कोशिश करनी है, तो वो कोशिश इस समय आपको करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले इस समय नई चीजों की शुरुआत कर सकते हैं, नए रास्तों पर चल सकते हैं और बड़े परिवर्तन भी होंगे, लेकिन ये परिवर्तन, ये नई शुरुआत आपके लिए कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि के लोग इस सप्ताह में नई संपत्ति खरीद सकते हैं या कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, इस तरह की संभावना आपके लिए बन रही है। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो अविवाहितों के विवाह के मामले इस समय तेज हो सकते हैं, अविवाहितों के विवाह के मामले हल हो सकते हैं, शादी फाइनल हो सकती है, इस समय कोशिश करनी चाहिए। देखिए, इस सप्ताह आपको एक काम करना है, आप गाय को हरा चारा खिलाइए, सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, वो मौके आपको मिले, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएं, हर दिन आपको फायदा हो, इसलिए पूरे सप्ताह में गाय को हरा चारा अगर आप खिलाते हैं तो सप्ताह का हर दिन आपके लिए बहुत शुभ होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके महत्वपूर्ण काम फिलहाल रुक सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, उसको लेके परेशान मत होइए, थोड़े से समय आगे बढ़ेंगे काम आपका बन जाएगा। बेवजह की चिंता और स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसका आपको ध्यान बनाए रखना है।
सप्ताह के मध्य से यानी बुधवार से करियर में आपके कोई छोटा मोटा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के बाद आपके करियर में आपके तनाव में सुधार होता चला जाएगा। धन आपके पास इस सप्ताह में आता रहेगा और संपत्ति खरीदने बेचने का अगर कोई काम है तो संपत्ति का काम इस सप्ताह में निपट जाएगा। सप्ताह के अंत में करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, यानी करियर के लिए अगर आपने कोई एफर्ट किया था, अगर कोई प्रयास किया था तो उससे संबंधित फायदा सप्ताह के अंत में आपको हो सकता है। तो धनु वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में देखिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो आपको लाभ जरूर होगा। हमने आपको अलग अलग तरीके के करियर में सफलता पाने के रास्ते बताए और ये बताया कि कुंडली में कौन से ग्रह किस तरह का करियर देते हैं। अब मान लिया आपका करियर शुरू हो गया है, आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में सफलता पाने के लिए सामान्य रूप से कौन से उपाय करने चाहिए। आप कोई भी नौकरी करते हो, आप प्रशासनिक सेवा में टॉप लेवल की नौकरी करते हो या चतुर्थ श्रेणी के सम्मानित कर्मचारी हो, आप कोई भी नौकरी करते हो, आप अपनी नौकरी को बेहतर कैसे बनाएंगे, इसके लिए अधिक से अधिक शनि देव की उपासना करिएगा। ज्यादा से ज्यादा शनि देव की उपासना आपको करनी है और रोज करनी है। एक लोहे का छल्ला जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें जरूर पहनना चाहिए, अपने लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में। रोज शाम को नियमित रूप से 108 बार शनि मंत्र का आपको जप करना है। ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और संभव हो तो शनिवार को खाने की वस्तुओं का दान करिएगा। आप कोई भी नौकरी करते हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कॉरपोरेशन में हो, बड़ी नौकरी करें, छोटी नौकरी करें, शनि मंत्र का जप जरूर करें, शनिवार को दीपक जरूर जलाएं, शनिवार को खाने पीने की चीजों का दान करें और एक लोहे का छल्ला बनवा करके पहन लें। सामान्यतः आपको नौकरी से शिकायतें नहीं होंगी। अब अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हो, बिजनेस में व्यवसाय में सफलता के लिए सामान्यतः कौन सा उपाय करें। आप बिजनेस टाइकून हो, बहुत बड़े व्यवसायी हो, या छोटी सी परचून की दुकान हो आपकी, या छोटा बिजनेस करते हो या बड़ा बिजनेस करते हो, क्या उपाय करेंगे। इसके लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें, श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करें। अगर आप व्यवसायी हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आपको पहन लेना चाहिए जरूर से बृहस्पतिवार के दिन, राइट में या लेफ्ट में, जिसमें भी आपको सूटेबल लगे। रोज सुबह 15 मिनट खर्च करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए, थोड़ा सा या ज्यादा सा, हरा चारा नहीं है, हरा फल खिलाइए, हरी सब्जी खिलाइए। और हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में, चाहे वो मां दुर्गा का मंदिर हो, मां काली का मंदिर हो, मां लक्ष्मी का मंदिर हो, वहां दर्शन करिए, आपको लाभ जरूर होगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप जितनी पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर
और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम निश्चित रूप से बन जाएगा, महत्वपूर्ण काम बनेगा, अच्छा काम हो जाएगा। करियर की स्थितियां आपके लिए मजबूत होंगी और आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी इससे होगा। सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। पारिवारिक मामले और धन के मामले आपके लिए अच्छे बने रहेंगे, उसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है करियर में परिवर्तन के लिए आपने पहले कोई प्रयास किया हो, अगर पहले कोई प्रयास किया था तो सप्ताह के अंत में आपको परिवर्तन का कोई नया अवसर भी मिल सकता है। यानी एक बात समझ लीजिए मकर राशि के लोगों की, बाकी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए, बाकी मामले अच्छे हैं और करियर में अगर परिवर्तन का प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय कोशिश करना, प्रयास करना आपके लिए बेहतर होगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम की अधिकता लग रही है, सप्ताह की शुरुआत में वर्क प्रेशर हो सकता है, हालांकि आपके करियर में बड़ी सफलता भी इस समय आपको मिल सकती है, करियर में कोई बड़ा मौका आपके सामने आ सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं इस सप्ताह में, अपनी पढ़ाई लिखाई के मामले में और अपने करियर के मामले में। धन को लेकर चिंता मत करिए, धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपकी अच्छी बनी रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खासतौर से पेट को लेकर के दिक्कतें ना हो, उल्टा सीधा खा करके आप बीमार ना हो, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन निपटाएं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी, हालांकि सफलता के लिए दौड़ भाग भी इस सप्ताह की शुरुआत में काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। इस समय ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि नौकरी में बहुत प्रेशर है, नौकरी में दिक्कतें बहुत हैं, तो मैं कोई अपना काम कर लूं, अपने बिजनेस में चला जाऊं, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं। इस समय किसी व्यवसाय का या स्वतंत्र कार्य का विचार आप कर सकते हैं। बेवजह की चिंता और बेवजह के डिप्रेशन से दूर रहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए, मेहनत तो है मीन राशि वालों के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपके सारे महत्वपूर्ण काम, आपके सारे रुके हुए काम इस सप्ताह में बन जाएंगे। तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप निपटा लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो इस सप्ताह में आपको फायदे ज्यादा होंगे। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।